आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर मनी का, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब मनी तो हमने पढ़ लिया कि उसका एवोल्यूशन क्यों हुआ था बाटर सिस्टम को हटाने के लिए। नाउ जब मनी का एवोल्यूशन हुआ तो किस किस टाइप के मनी का एवोल्यूशन हुआ। पहला आपका था फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, और दूसरा है आपका फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाई ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी आपके नोट्स एंड कॉइन्स हैं जो गवर्नमेंट आपके इशू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। ठीक है, जैसे कि आपके चेक्स हो गए, वो क्या होता है, उस टाइम पे आपको मनी तो नहीं पे किया जा रहा है लेकिन आपको एक चेक प्रोवाइड किया गया है, और ये रिलेशन होता है पेयर और पे के बीच में, मतलब जो पे कर रहा है और जो वो चेक को रिसीव कर रहा है उनके बीच का रिलेशन है कि हाँ उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि फ्यूचर में उसके पेमेंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी रेफर to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are in issue। मतलब कि जो उसको बनाने में, सिक्के को या नोट को बनाने में जितनी लागत आई है, वही उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वही उसकी मनी वैल्यू भी है। मतलब कि अगर 5 रुपए का सिक्का बन रहा है तो उसको बनाने में भी उतने की लागत लगे। जैसे पहले के ज़माने में जो सोने और चांदी के जो सिक्के चलते थे, दैट वेयर फुल बॉडीड मनी। आज भी अगर आप जाते हैं सोने के सिक्के खरीदने या तो वो फुल बॉडीड नहीं होते, लेकिन जो पहले आपके कॉइन्स चलते थे ब्रिटिश राज में, दैट वेयर फुल बॉडीड मनी, जहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, जो कमोडिटी वैल्यू होती थी, वही फेस वैल्यू भी होती थी मनी की। वहीं अगर आप बात करें क्रेडिट मनी की, तो क्रेडिट मनी वो मनी होता है, रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर दैन द कमोडिटी वैल्यू। जैसे कि आप हमारे नोट्स ले लीजिए, नोट्स जो हमारे 2000 के बन रहे हैं या 100 के हैं या 500 के हैं, क्या उनको बनाने में उतनी लागत लगती है? नहीं, उनको बनाने में उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन उनकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, उन पे जो प्रिंट किया गया है मनी का वैल्यू वो ज़्यादा है। सो दिस इज़ कॉल्ड योर क्रेडिट मनी। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई ऑफ मनी पर। अब सप्लाई ऑफ मनी जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी का क्या है? इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हम जो डेली वर्कर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, इनके पास जो मनी है अपने हाथों में, दैट इज़ कॉल्ड योर सप्लाई ऑफ मनी। मेरे पास जितना मनी है, थर्ड पार्टी के पास जितना मनी है, ABC जिसके पास भी जितना मनी हम होल्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट हम आते हैं मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी को हम इजीली कैसे समझ सकते हैं? M1 इक्वल्स टू C+DD+OD। ठीक है, यहाँ पर C क्या होता है? M1 है आपका मेजरमेंट ऑफ मनी। ठीक है, मनी सप्लाई कितना है उसका मेजरमेंट। C हम क्या कहते हैं? जो कैश हमारे लोगों के पास, पब्लिक के पास जो वो होल्ड करते हैं। DD क्या है? जो डिमांड डिपॉजिट वो होल्ड करते हैं बैंक्स में। और OD क्या है? जो डिफरेंट टाइप के अदर डिमांड्स डिपॉजिट्स होते हैं जो वो होल्ड करते हैं, जैसे कुछ इंटरनेशनल फंड्स में करते होंगे, कुछ वर्ल्ड बैंक में करते होंगे। सो दीज आर द OD। ठीक है, नाउ हु सप्लाइज मनी? तो इंडिया की अगर आप बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड कमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट, ये तीन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मनी के रेगुलेशन के लिए। इशू तो सेंट्रल बैंक करती है, लेकिन जब सप्लाई की बारी आती है तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट, ये तीनों का ये जिम्मा होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी गवर्नमेंट जो है, RBI जो है, वो अगर जब करेंसी इशू करती है, मनी इशू करती है, तो उनको अपने पास एक मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज रखना पड़ता है। और इस 200 करोड़ की सिक्योरिटी में एटलीस्ट उनको 115 करोड़ गोल्ड रखना पड़ता है। अगर RBI को कभी भी नोट इशू करना है करेंसी
करेंसी इशू करना है, मनी इशू करना है, तो उनके पास 200 करोड़ का रिजर्व पहले से होना चाहिए। देन वी कम टू मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट से जो मनी वहाँ से बनाते हैं इंटरेस्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड योर बैंक मनी। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है।